दोस्तों जैसा कि देख पा रहे मारुति की सियाज है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। आउटसाइड टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका हमने एसी चालू रखा है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.2 पे आ चुका है, यानी कूलिंग प्रॉपर हो चुका है। चारों वेंट में जो है इसका कूलिंग प्रॉपर हो रहा है, लेकिन बट हीटर जब हम चालू करते हैं ना तो हीटिंग टेम्परेचर सिर्फ ये वाली और ये वाली, यानी ड्राइवर साइड के वेंट में हीटिंग टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन ये दोनों वेंट में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, हीटर हाई पे कर रहा हूं, हाई पे किया हूं हीटर और हीटिंग टेम्परेचर देखिए आप इसमें बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं आप हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ये दोनों ड्राइवर साइड के वेंट में हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो कि मैं थर्मामीटर उस साइड लगा देता हूं, ये वाली वेंट में आप देख पा रहे हैं 40 तक गया था, लेकिन देखो 39 पे आ चुका, 38 पे, यानी हीटिंग टेम्परेचर और भी ज्यादा होना चाहिए। हाई पे रखा हूं तो और भी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इसका हीटर जो क्वाइल है ना, डैशबोर्ड के अंदर जो रहती है ना, वो एक साइड से उसका जाम हो चुका है और एक साइड से फ्री है। यानी हीटर कॉइल कैसा रहता है, इस टाइप से रहता है, तो एक साइड से हवा गर्म आ रही है, यानी कूलेंट का जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, तो एक साइड से ही हो रहा है और दूसरे साइड जा नहीं पा रहा है कूलेंट। इसके वजह से हीटिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 32 पे आ चुका अभी। इसके वजह से एक साइड यानी आधा हीटर कॉइल से गर्म हवा आ रही है और आधा में से नहीं आ रही है, क्योंकि उधर जाम हो चुका है और उधर कूलेंट सर्कुलेशन कर नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से उधर हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने ये एसिड डालूंगा हीटर कॉइल में, कॉइल के अंदर, जो कि ये एसिड है, और एसिड डाल के क्लीन करेंगे, क्लीन करके देखेंगे सक्सेसफुल होता है क्या नहीं। तो चलो मैं बाहर आपको दिखा देता हूं क्लीन कैसे करते हैं और क्लीन कैसे करने का रहता है। तो चलो अब हम देखते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं मैंने पहले गाड़ी को ठंडा कर लिया है और ये दोनों क्लिप निकाल दिया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसको हम बाहर ले लेते हैं। दोनों को बाहर ले लिया हूँ, अब हम इसमें पाइप लगा देते हैं, ये वाली पाइप, ताकि इसमें से हम इजीली डाल सकें एसिड। ये वाली पाइप यहाँ आ गया, अब हम इसमें एसिड डालेंगे। तो चलो मैं एसिड डालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसिड कितना पावरफुल हो गया है, देखने धुआं हुआ निकल रहा है। चलो फिर हम इसमें पानी मारना पड़ेगा जल्दी, फिर आगे दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं मैं पानी मार के फ्री कर दिया हूँ इसको, अब हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद फिर आपको आगे दिखाऊंगा गाड़ी चालू वगैरह करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसको फाइनली फिटिंग कर दिया है और गाड़ी चालू है हमारा। तो थोड़ी देर हम गाड़ी को गर्म होने देते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ हीटिंग करने से प्रॉपर आ रहा है क्या नहीं, चल रहा है क्या नहीं। चलो फिर हम आगे अंदर गाड़ी में देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी चालू है अभी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आउटसाइड का टेम्परेचर देख लीजिए 27 पे आ चुका है, क्योंकि मैंने रेडिएटर और कंडेंसर जो पे पानी जो मारा ना, ठंडा किया ना, इसकी वजह से कम हो गया है। तो अब मैं एसी चालू रखा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 6.5 पे है। चलो अब हम इसका हीटर हाई पे कर देता हूँ, सॉरी लो, इधर लो, हाई पे कर देता हूँ, हाई कर दिया हूँ, और हीटिंग टेम्परेचर देख पा रहे हैं आप 7.8, 8.6, यानी अब बढ़ रहा है टेम्परेचर, ऊपर हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 पे आ चुका है, 28 पे आ चुका है, 29 पे आ चुका है। इस साइड तो पहले भी हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो मैं आपको हीटिंग टेम्परेचर ऊपर लेकर के फिर इस साइड लगा के दिखाता हूँ। 47 पे आ चुका, 48 पे, 49 पे। चलो फिर मैं इस साइड लगा देता हूँ आपको और समझ में आएगा आपको, प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, इस साइड लगा लेता हूँ, चलो बैठ गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 51 पे आ चुका है हीटिंग टेम्परेचर, जैसा कि देख पा रहे पहले जो कि चल ही नहीं रहा था, 30 पे लगाया था, 30 से नीचे आ रहा था, जो कि अभी हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया, हीटर कॉइल में एसिड डाल करके मैंने किस तरीके से क्लीन करके आपको दिखाया, और आपको दिखाया अभी धुआं, ये काम बहुत डेंजर वाला काम रहता है, सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। तो क्लीन हो जाता है, 100% काम नहीं करता है, लेकिन 90% हो जाता है क्लीन। जैसा कि देख रहे हैं हाई पे रखा हूँ, हीटिंग टेम्परेचर 55 पे आ चुका है अभी, 55.3,
7। तो जैसा कि आपको दिखाया मैंने, रिपेयरिंग हो चुका अपना, सक्सेसफुल हो चुका। तो अगर हेलो दोस्तों, आप अगर ऐसे परिस्थिति में आपकी गाड़ी में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका हीटर कॉइल गया हुआ है, एक साइड से जाम हो गया है, इसकी वजह से एक ही साइड हीटिंग टेम्परेचर आ रहा है, दूसरी साइड नहीं आ रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे 57 पे 58 पे आ चुका है अभी हीटिंग टेम्परेचर, यानी सभी सिस्टम इसका प्रॉपर हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आपके लिए ही कर रहा हूँ इतना कुछ, तो आप लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये काम बहुत रिस्की रहता है, संभल के अगर आप भी अगर कोई रिस्क लेते हैं तो एसिड बहुत डेंजर रहता है, तो संभल के करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया कि धुआं वगैरह कितना जल्दी धुआं वगैरह आ गया था, कोई भी एल्यूमिनियम पार्ट्स में अगर एसिड आप डालेंगे तो रिएक्शन करके जलने मिलने और आग भी लगने का चांस रहता है। बहुत सावधानी पूर्वक करना जो भी आप अगर करेंगे क्लीनिंग का सिस्टम अगर करेंगे तो। तो जैसा कि आपको दिखाया हीटिंग टेम्परेचर प्रॉपर हो रहा है और सभी सिस्टम इसका लगभग प्रॉपर हो चुका है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।